नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रितु शर्मा फ्रॉम ड्रीम टच अकेडमी। आज मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ड्रीम टच अकेडमी मिस्टर कुलदीप कुमार कुमार। ये हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हमारी कुछ क्वेश्चन है जो आपके भी हैं क्वेश्चन, जो हर पढ़ने वाले बच्चे के क्वेश्चन हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब 10th और 12th की अभी एग्ज़ाम चल रही है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि उस टाइम पढ़ाई कैसे की जाए। नमस्कार। जैसे कि हम मानते हैं एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स को दो तरीके से हमें देखना चाहिए। एग्ज़ाम का एक छोटा रूप और चलता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब है कि हम जो शिक्षक लोग हैं पहले बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं जिसको हम इनपुट बोलते हैं, और फिर वापस जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कितना समझ में आया, उस चीज़ को हम बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट हम एक्चुअली चेक स्टूडेंट्स का नहीं करते, हम अपना ही चेक करते हैं कि हमने जो पढ़ाया स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया। मान लीजिए मैंने एक बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक पढ़ा करके उनका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद में मैंने उनको चेक किया और उनके 10 में से 7 नंबर आए, तो मैं यही मानता हूँ कि मेरा जो समझाने का तरीका था वो 7 नंबर तक ही सीमित रहा, तो मैं और अच्छे ढंग से उनको समझाने की कोशिश करूँगा। तो विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए वो कभी स्ट्रेस नहीं ले कि हमारे 3 नंबर कम आए। हम उनको वेरीफाइड करेंगे, अलग क्लासिफाइड करेंगे और 3 नंबर और आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है। जैसे अभी होली का पर्व आ रहा है, बहुत सारे बच्चे इसको एंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, रंग खेलना चाहते हैं, तो उस टाइम वो अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा सवाल किया और ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा मायने रखने वाला सवाल है कि हम पर्व को नहीं छोड़ें, एंजॉयमेंट पूरा लें और होली का फुल टॉस आनंद उठाएं। इसके लिए आपको मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ में मिलता होगा कि टाइम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग, एक सप्ताह में कितना करना है। आप अपने पूरे सब्जेक्ट को एक साल में तोल करके देखिए, साल को फिर आप महीनों में बांटिए और महीनों को सप्ताह में डिवाइड कर लीजिए और सप्ताह को दिनों में डिवाइड कर लीजिए, दिन को आवर्स में डिवाइड कर लीजिए। तो यदि आपको ये लगता है कि मुझे एक साल में इस किताब को इतना पढ़ना है, एक महीने में इतना पढ़ना है, एक सप्ताह में इतना पढ़ना है इसका और एक दिन में इतना पढ़ना है, तो आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके अपना पहले काम कर लीजिए पढ़ाई वाला, और पढ़ाई का जैसे आपके जो ड्यूरेशंस है, आवर्स हैं, उनके बाद आप तैयारी करिए अपने फंक्शन की, प्रोग्राम की। कल्चर से भी दूर मत जाइए, क्योंकि फेयर एंड फेस्टिवल जो है वो स्ट्रेस रिमूवल के लिए आते हैं और आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब भाई आप बोर्ड कक्षाएं दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने माहौल को खुशनुमा बनाने। अच्छा, तो सर ये आपका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने पहली बार सुना है सच में। लेकिन एक बार और देखा था मैंने आपका, यूट्यूब पे देखा था सर आपके चैनल पे, बहुत अच्छा लगा। उसमें आपने बताया था कि एक चार्ट बताया था जिसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इसमें कोई चार थे, तो उस टाइम मैं सही से नहीं समझ पाया। मैं चाहता हूँ आज आप उसको खुल के बताएं थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ज़्यादा समझने के लिए तो आपको मेरे उसी YouTube वीडियो को देखना होगा, क्योंकि उसमें मैंने बड़े खुल करके समझाया कि आप अपने कामों को 4 क्वार्टरेंट में डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, अच्छा। कि कौन से अर्जेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और कौन से ऐसे हैं कि न तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। अच्छा। तो आप उन काम को लाइफ से हटाई दीजिए जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है, उनको पहले करिए जो इम्पोर्टेंट है, और आप एक प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दीजिए जो अर्जेंट भी है प्लस इम्पोर्टेंट भी है, कि किनके करने से आपको क्या मिलने वाला। अच्छा, तो पहले ये दो काम है, एक अर्जेंट होते हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं होते, एक होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते, तो इनमें से पहले कौन से किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि इम्पोर्टेंट काम हमें पहले करने होते हैं, और जो अर्जेंट होते हैं उनको चाहे आप कितनी भी इम्पोर्टेंस दें, अर्जेंट काम तो होने वाले ही होते हैं। जैसे आज आपने डिसाइड किया कि मैं सुबह 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर ठीक है, आपका लेसन प्लान था, आप पढ़ भी रहे थे, पर आज जैसे ही आपको पता लगा कि आज तो गांव में कोई डेथ हो गई, ये फिर आज गांव में कोई मदारी आ गया, उसके कुछ लग गया, तो एक इंसानियत के नाते हमें थोड़ा समय उसको देना पड़ेगा। तो वो अर्जेंट काम है जो पता नहीं था हमें कि होगा, उसको आप कर लीजिए, थोड़ा समय उसको दे दीजिए और फिर अपने इम्पोर्टेंट काम कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।